चला, एक क्वेश्चन आता है इधर इधर ध्यान दीजिएगा कि वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है या कभी कभी दे देता है, और संतृप्त वसा से संतृप्त वसा बनाने के लिए, और संतृप्त वसा से संतृप्त वसा बनाने के लिए, और संतृप्त वसा से संतृप्त वसा बनाने के लिए भी निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है, या वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है, और यह जो प्रक्रिया है इसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को चला कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। अरे वो कॉपी इस बच्चे का हरा गया है, किसी के पास है क्या एक्स्ट्रा कॉपी? वो है क्या? दे दो भाई, चुरा ली है, दे दीजिए। हाइड्रोजनीकरण क्या कहते हैं? चला हाइड्रोजनीकरण। अगला इथानॉल हो गया, पीने वाला अल्कोहल। कौन अल्कोहल? पीने वाला अल्कोहल। बताओ ये जल में घुलनशील है कि नहीं है? पिया होंगे तो पता चल गया क्या होगा। इथानॉल जल में पूर्णतः विलेय है, और ये दोनों को अगर अलग करना है, इथेनॉल आप पानी को अगर अलग करना है, पानी को अगर अलग करना है हम लोग भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अलग करना है तो हम लोग कौन विधि का उपयोग करते हैं? भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। इथेनॉल को अगर पानी से अलग करना है तो कौन विधि का उपयोग करते हैं? भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। 25 क्वेश्चन का चला टेस्ट दीजिएगा, साइंस का ना, देखो क्वेश्चन यहां से आपको मिलवे करेगा, जितना है सातों समय से एक दो डेली मिलेगा। पढ़ें, इथेनॉल को पानी से अलग करना है, कौन विधि? भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अब देखो चला, यहां पर CaCl2 होगा, ठीक कर लो, CaCl2। कल रात में भी क्वेश्चन था, अगर पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में, CaCl2 और H2SO4 निर्जलीकरण में उपयोग करते हैं, मतलब इसका काम है जल का क्या करना? अवशोषण करना। जल का क्या करना चला? अवशोषण करना। किसका? CaCl2 और H2SO4। CaCl2 जो है ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है। कहां यूज होता है? ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। कौन? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है नमी को क्या करने के लिए? अवशोषित करने के लिए। इसी में अगर देखा अम्ल और अल्कोहल किसका निर्माण करता है? ईस्टर का। ईस्टर का काम है फलों की गंध के लिए। किसके लिए? इथर का नहीं, इथर अगर दे देगा तो निश्चेतक है। इथर की अगर हम बात करें तो ये निश्चेतक के रूप में बेहोशी की दवा है। ये इथर जो है ये निश्चेतक है, बेहोशी की दवा है, और ईस्टर जो है ये फलों की गंध में प्रयोग किया जाता है। हो गया। अगर हम चला एस्टर, एस्टर की बात करें तो ये फलों की गंध के लिए, जो हम लोग पेप्सी माजा पीते हैं या अन्य अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? एस्टर का। यानी अगर आप माजा पी रहे हैं मतलब आम नहीं पी रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं? एस्टर पी रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि हर मौसम आम, जबकि वो आम नहीं है। इथर क्या है? निश्चेतक। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग कहां होता है? ट्रांसफार्मर में। और H2SO4 और कैल्शियम क्लोराइड क्या है? जल अवशोषक। जल अवशोषक मतलब नमी अवशोषक। एस्टर बताओ, इत्र की गंध सूचक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इत्र या गंध सूचक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बताओ साबुन के बुलबुले, बुलबुले का जो गुच्छा होता है उसको हम लोग मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं, इसका मतलब बुलबुलों का गुच्छा तैयार करते हैं। साबुन के अणु मिसेल यानी अणुओं का गुच्छा तैयार करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल। और एक चीज और ध्यान रखना, बालू प्लस सीमेंट मिला के बनता है मोर्टार। क्या बनता है चला? मोर्टार। और साबुन के बुलबुले के अंदर का जो अगर त्रिज्या आर हो तो इसका जो दाब होता है वो होता है 40/r, जहां आर जो है वो त्रिज्या है और टी जो है वो क्या है? पृष्ठ तनाव है। टी क्या है चला? पृष्ठ तनाव है। और पी क्या है? दाब है। हमको बताओ जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका दाब क्या होगा? जिसकी त्रिज्या कम उसका दाब ज्यादा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसका दाब कम। चलिए लिख खाने आया रे। हो गया। ये क्या होता है? 40/r, यानी जिस साबुन के बुलबुले की त्रिज्या कम होगी उस पर दाब ज्यादा होगा। अब बालू और सीमेंट के मिश्रण को क्या कहते हैं? मोर्टार। मोर्टार ना, मोर्टार। और साबुन के गुच्छे बुलबुलों के गुच्छों को क्या कहते हैं? मिसेल। क्या कहते हैं? और साबुन के बुलबुले पर जो दाब होता है वो होता है 40/r। नाम है रे, जैसे किसी चीज का हम लोग नाम रखते हैं ना चला, हम लोग साबुन क्या बोलते हैं उसको, जैसे साबुन के बुलबुले का गुच्छा है बहुत सारा बुलबुला, तो उसको हम लोग मिसेल कह देते हैं। तो वैसे ही हम लोग अगर बालू और सीमेंट को एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण का नाम है मोर्टार। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण मिला देते तो नाम क्या है? सरबत। वही बात कहते हैं जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं? जलरागी। तथा हाइड्रोकार्बन में विलय को क्या कहते हैं? जल विरागी। रागी मतलब आकर्षित होने वाला, विरागी मतलब हटने वाला। जैसे हम लोग कहते हैं वैराग्य धारण कर लिया, वैराग्य मतलब क्या किया? हट गया कि सट गया? हट गया ना। तो कहते हैं जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं? जलरागी। और हाइड्रोकार्बन में विलय को क्या कहते हैं? जलविरागी। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में बंधन नहीं बनता है, क्योंकि स्वसंयोजक बंधन मजबूत होता है। कौन मजबूत होता है? इसलिए वो जल्दी बंधन को तोड़ता नहीं। अपमार्जक का नाम सुना है? अपमार्जक मतलब क्या चला? सरफ। सरफ सुने हो ना? अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फेट लवण होते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं लवण होते हैं सल्फेट। सन कितना इसमें? 1817 में डोबरिनर ने क्या दिया था? त्रियक नियम। डोबरिनर ने त्रियक नियम में क्या कहा था? दूसरा तत्व का द्रव्यमान पहला और तीसरा का क्या होगा? औसत होगा। यही ने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। क्या नियम?
तो जैसे चलन इसमें बहुत सारा है, लेकिन कुछ इसमें है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो तुमको पूछेगा। जैसे इसमें बहुत सारा है, आप देखिए फलना की खोज अपना इसमें हुआ, चिलना की खोज अपना इसमें हुआ, ढकलना का खोज अपना इसमें हुआ, उतना आपको नहीं याद करना है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको लेकिन याद रखना होगा। तो डुबरीनर का ट्राइड कितना इसमें 1817, इन्होंने जर्मनी के म्यूनसबर्ग में औषधि तथा स्ट्रेस वर्ग में रसायन शास्त्र का क्या किया था, अध्ययन किया था, इसका जिक्र है एनसीईआरटी में। कराचेना विश्वविद्यालय में क्या रहे थे अध्यापक, और सबसे पहले कौन उत्प्रेरक का खोज किया, प्लेटिनम। उत्प्रेरक का खोज कौन किया था, बर्जीलियस। देखो चलो बर्जीलियस के बारे में कुछ बातें हैं जो आप जान लीजिए, कि पूछता है बर्जीलियस की अगर हम बात करें तो जैव शक्ति का सिद्धांत यही दिया था, जैव शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था, बर्जीलियस। तत्वों के प्रतीक के बारे में कौन बताया था, तत्वों के प्रतीक के बारे में कौन बताया था, बर्जीलियस। और अगर हम प्लेटिनम उत्प्रेरक, जिसको हम लोग सफेद स्वर्ण कहते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज भी कौन किया था, प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज कौन किया था, बर्जीलियस। इसका पीडीएफ डाला हुआ है सामने, जो टेलीग्राम लिंक है आपका, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा, हो गया। प्लेटिनम को हम लोग क्या कहते हैं, चला सफेद स्वर्ण भी कहते हैं, कौन स्वर्ण कहते हैं, सफेद स्वर्ण। आपको हम पीछे पढ़ाए थे काला सोना किसको कहते हैं, कोयला और पेट्रोलियम को, कोयला और किसको, पेट्रोलियम। कौन सोना कहते हैं, काला सोना, और सफेद सोना किसको कहते हैं, प्लेटिनम, सही है ना। आप सबसे अधिक उत्प्रेरक किसका है, सबसे अधिक समस्थानिक किसका है, समस्थानिक है चला पोलिनियम का, कितना, 27, लिख लो, सबसे अधिक समस्थानिक किसका है, पोलिनियम का, कितना है, 27। समस्थानिक समझते हो ना, परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग अलग। प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज कौन किया था, बर्जीलियस। जैव शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था, बर्जीलियस। और तत्वों के प्रतीक की खोज कौन किया था, बर्जीलियस। लियोपिन का उपयोग क्या चीज में करते हैं, सफेद पेंट के रूप में किया जाता है, कुछ नहीं है इसको याद रखना है। न्यूलैंड ने कौन नियम दिया था, अष्टक नियम। इसके ज्ञात 56वें तत्व कौन था, थोरियम, यानी अंतिम तत्व कौन था न्यूलैंड में, थोरियम। इसका नियम कैल्शियम तक मान्य था, ये तो पता है ना, आया नियम कहां तक लागू था, कैल्शियम था। देखो चला कोबाल्ट और निकेल का गुण किसके समान था, आयरन के समान, होते हुए भी आयरन को बहुत दूर रखा गया था, ये भी आप जानते होंगे। कोबाल्ट और निकेल को कहां रखा गया था, हैलोजन के साथ। अब भविष्य में अन्य तत्वों के न होने की संभावना व्यक्त किया, देखो ये पूछ रहा है बार बार, डोबेरिनर और न्यूलैंड, इन्होंने कहा था कि भविष्य में कोई तत्व नहीं आएगा, न्यूलैंड ने काम कर रहे हैं 56 को तत्व, 56 को रहेगा। लेकिन एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक था कौन, मेंडलीफ, जिन्होंने कहा कि तत्व आएंगे, और बाद में तत्व जब आया तो उसको जोड़ा भी, तीन तत्व को खास करके उन्होंने जोड़ा, मेंडलीफ ने, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। इसको किसको, अगर तुमको कहेगा ये चीज और ध्यान रखना कि डोबेरिनर, डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, डोबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ किसके आधार पर सजाया, परमाणु भार। एकमात्र वैज्ञानिक था मोसले जिसने सजाया परमाणु संख्या, या इसी को चला एनसीईआरटी में दिया हुआ, बढ़ते हुए आवेश। एक बात बताइए कि परमाणु संख्या जो है वो किसके संख्या के, बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश, कल रात में क्वेश्चन था ही, बढ़ते हुए नाभिकीय। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा चला जी, हमको ये बताइए, एक मिनट होल्ड ऑन, मोसले ने जो सजाया है आधुनिक आवर्त सारणी को, वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया है। अब बताओ परमाणु संख्या प्रोटोन की संख्या के बराबर होता है, आप प्रोटोन कहाँ होता है, नाभिक में, नाभिक प्रोटोन पर आवेश होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब बढ़ता हुआ परमाणु संख्या मतलब बढ़ता हुआ प्रोटोन, बढ़ता हुआ प्रोटोन मतलब बढ़ता हुआ नाभिकीय आवेश, क्योंकि नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है, पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। हम अगर ये कहें कि मोसले ने जो सजाया वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, या बढ़ते हुए प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, या बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के आधार पर, इस सब स्टेटमेंट सही है कि गलत है, लिख लो जल्दी से। हो गया, अरे हो गया। अब देखो अगर कह दे मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, या बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के आधार पर, या बढ़ते हुए प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, ये सब सही है कि गलत है, सही है, बहुत बढ़िया बात। भविष्य में आने वाले तत्वों के बारे में देखो कौन बताया, जो यहां से जो बात हुई थी डोबेरिनर की, किसकी बात हुई थी, डोबेरिनर की और न्यूलैंड की, कहता था ना कि अब भविष्य में तत्व नहीं आएंगे, हम जितना देख रहे हैं उतने रहेगा, भविष्य में तत्व नहीं आएगा। पहली बार किसने कहा भविष्य में तत्व आएगा, मेंडलीफ ने, मेंडलीफ ने पहली बार कहा, मेंडलीफ ने पहली बार कहा, पहली बार कहा, पहली बार आने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा, आने वाले तत्वों के लिए, आने वाले तत्व के लिए स्थान छोड़ा, आने वाले तत्व के लिए क्या छोड़ा चला, स्थान छोड़ा, आने वाले तत्व के लिए क्या छोड़ा, स्थान छोड़ा, किसने, मेंडलीफ ने। तब इसी के आधार पर इनका स्कैंडियम, गैलियम और कौन चला, जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जोड़ा गया, कौन जोड़ा गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। मेंडलीफ ने कहा नहीं अभी तत्व आएंगे, और आने वाले तत्वों के लिए उन्होंने खाली स्थान भी छोड़ा, और बाद में किसको जोड़ा, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। हो गया, पहली बार आने वाले तत्वों के लिए कौन कहा था कि आएगा तत्व और आ सकता है, कौन कहा था, मेंडलीफ ने, और आवर्त सारणी को ये तीनों परमाणु भार के आधार पर सजाया, ये मोसले ने किसके आधार पर सजाया, परमाणु संख्या के आधार पर। पढ़िए तो भविष्य में अन्य तत्व होने की संभावना व्यक्त किया था किसने, किसने क्या, मेंडलीफ ना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869 में छपी, तथा कितना में जर्मन पत्रिका में छपी, जैसे ये दोनों अलग अलग बात है, अगर कह देगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी कितना में छपी,
1869 में, लेकिन भैया जर्मन पत्रिका में कब छपी थी? 1872 में। दोनों बात अलग अलग। मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया था वो कितने में बनाया? 1869। लेकिन जर्मन पत्रिका में कब छपा? 1872। कितना साल बाद? 3 साल बाद ना, 3 साल बाद उसकी थ्योरी जो है जर्मन पत्रिका में छपी थी। अगर कह देगा तुमको मेंडलीफ ने पहली बार जो आवर्त सारणी बनाया वो कितने में बनाया? 1869 में, और छपा था कितने में? 1872 में। कितना में? इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला डोबेरिनर, डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या नील, पता ही नहीं था इसको। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। और मॉसले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114। और अभी ज्ञात तत्वों की संख्या 118। सब अलग अलग, बढ़िया से देख लो। हो गया? और इसमें थोड़ा दिया पता होगा तब तक बढ़ेगा कद्दू को, अभी लेकिन तुरंत 118 है मारना। कोई तो चला चलिए रहा है, कोई ना कोई चोटा लगल होगा, लगेगा हम लोग एकादू को बढ़ा देंगे। हमार की जा रहा है वो अपना खोजेगा, पूरा जीवन खपा के वो मुकदून खोजेगा, हम लोग बढ़ा देंगे। अब ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 120। हो गया, क्लियर है ना? कहेगा डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या नील, लेकिन अगर कहेगा डोबेरिनर ने कितने त्रिक निकाले थे? 3, जिसमें कितने तत्व थे? 9। लेकिन डोबेरिनर के 3 त्रिक थे, डोबेरिनर के 3 त्रिक थे, त्रिक ट्राइड इंग्लिश में लिखना, 3 ट्राइड थे। कितने ट्राइड थे? इन्होंने, इन्होंने मतलब किसने? मेंडलीफ ने। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच क्या स्थापित किया? संबंध। और एगो चीज तो महाभिव्याय, यहाँ क्वेश्चन बच्चा एकदम गड़बड़ी करवे करेगा। क्वेश्चन कहेगा मेंडलीफ ने किसकी ओर ध्यान केंद्रित किया? इचला मेंडलीफ ने किसकी ओर ध्यान केंद्रित किया? एक ऑप्शन देगा हाइड्रोजन, दूसरा देगा ऑक्सीजन, एगो देगा हाइड्रोजन और दूसरा देगा कार्बन। 99% लड़का ये मार देता है। ये हमरा पता है 99% लड़का हाइड्रोकार्बन सोच के हाइड्रोजन और क्या मार देता है? कार्बन। बोलो रे। लेकिन आपको दोस्त क्या नहीं मारना है? हाइड्रोजन कार्बन नहीं मारना है, क्या मारना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। किसने? इन्होंने, किन्होंने, इन्होंने, किन्होंने? मेंडलीफ ने। किसने चला? मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हाइड्रोजन कार्बन नहीं मारिएगा, ये गलत है। क्या मारिएगा? अब पता नहीं लगेगा हाइड्रोकार्बन से बड़ा, जैसे रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी ढाई से मार देता है। जबकि आंसर होगा हेनरी बेकवेल। क्या आंसर? फिर एक नंबर से होगा, फिर हमारा नहीं करना नहीं होता है। चला हेनरी बेकवेल ने किया था, तो ये हेनरी बेकवेल और क्यूरी के बीच आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कब क्यूरी मारना है, कब हेनरी बेकवेल मारना है, ना तो सब गुण हो जाता है गोबर। ये तो सब जानता होगा, लेकिन यहां भी झोल है। यहां जब क्वेश्चन आएगा ना तो फंस जाएगा। ग्रुप का समूह अलग अलग देता है, मामला फंसा देता है। अगर कहेगा ये तो सब ने जानता है, चला ऊर्ध्वाधर ये जो ऐसे खड़ा रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? ग्रुप या समूह कहते हैं। आई क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त। एकरा में कोई झोल नहीं है, इसमें कोई झोल नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ग्रुप और समूह में पहला उत्तर क्या होगा? पहला उत्तर क्या होगा? ग्रुप। और दूसरा उत्तर क्या होगा? समूह। हां, अब वर्ग और समूह में भी गड़बड़ नहीं करना। ग्रुप बोले तो क्या? वर्ग। ग्रुप या वर्ग पहला उत्तर होगा, समूह का उत्तर होगा दूसरा। लड़का को आता है दोनों का, लड़का सीधा रफली अगर पढ़िएगा तो लोग कहते हैं वर्ग या समूह, हम लोग भी कहते हैं वर्ग या समूह, लेकिन अब हम नहीं कहते हैं, अब हम अलग कर देते हैं। अब पढ़ाते हम क्लियर करते हैं, या वर्ग और ग्रुप मिलेगा तो पहला उत्तर होगा। ये नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा? समूह। क्या मारिएगा? बोले साफी नॉन एनर्जेटिक, खाता पीता नहीं है रे, साफी लगता है देहात ला के यहाँ रख दिया, खाओ पियो मुर्गा उर्गा, पैसा की दिक्कत है कहीं? मुर्गा बनाओ तो हमको भी खिलाओ। आज तक चला इतिहास है, जैसे मुर्गा खिलाया है सबको नौकरी हुआ है, थोड़ा लेट हुआ है लेकिन हुआ है जरूर। अब तुम लेके आओगे एक पीस, एक नंबर रह जाएगा, लेके आओगे वो छोटे, वो आया छोटा टिफिन में लेके, ये इतना बड़ा टिफिन था, ओकरा में वो एक पीस था, वो छोटे में पीस था। बोला सर हम आपके लिए लाए, बोला लाइव किया छोटा इतना कम लाया है, अब फिर 8-9 दिन पहले आया, बोला सर हमारे पॉइंट पॉइंट से रह गया। एक पीस खिलाओगे भाई, पॉइंट से रहे करेगा? ये तो समझो ललचा के रहना हो गया रे, खिलाना है तो भरपेट खिलाओ। ये तुम लोग होता है क्या? चिकन बना के ले जाते हैं गुरुजी को खिलाएंगे ना? एकदम नहीं। अरे छोटा तोरा, समझ लो माई बाप के बाद अगर तोरा लिए कोई सोच रहा है, खड़ा है कोई आम है, ठीक ना? न किया खड़ा बताओ, तो माई बाबू को तुम छोड़ दो, एक आदमी जो तुम्हारे जीवन के लिए खड़ा है कि तुमको सही रास्ते पर ले जाना है, कोई नहीं मिलेगा, आंख बंद कर लो, कहीं कोई तुरा नजर नहीं आएगा कि सला किया है जो हमारा सही रास्ते पर ले जाएगा। अब तब छोटा है वो चिकन का नंबर ही कर देता है, अकेला एक पीछे एक नंबर से गड़बड़ाएगा। कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ या ग्रुप, ग्रुप को ही क्या कहते हैं? चला वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग को समूह कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं, क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त। अब कहते हैं इन्होंने, इन्होंने मतलब किन्होंने? मेंडलीफ चाचा ने। किसने चला? अरे चला ये तो सब ने जानता है, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, क्यों नहीं जानता है? सब जानता है परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान केमिस्ट्री में सेम है, इसका ध्यान रखना। परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान केमिस्ट्री में सेम है कि अलग अलग? कहता इन्होंने, किन्होंने? इन्होंने ऑक्साइड के ऊपर ध्यान केंद्रित किया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्राथमिकता दी, उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान केंद्रित किया और हाइड्रोजन एक धोखा दे दिया। जगह पर बेसी ध्यान दोगे बेसी धोखा देगा, जगह पर तुम ध्यान नहीं दो एकदम धोखा नहीं देगा। हाइड्रोजन जो है चला, हाइड्रोजन को ही आवारा बोला था, कौन बोला था?
मेंडलीव क्या बोला था? आवारा, क्योंकि हाइड्रोजन के कारण आवारा सानी बुरा में गया था, ठीक ना? जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया था और वही इसको क्या दे दिया, धोखा दे दिया। तो कहते हैं इन्होंने ऑक्साइड के ऊपर भी रखा था चीजों को, एक का बोरोन, नाम सुने हो ना, तीन को एक का था, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, बोलो हाँ, तीन को एक को इन्होंने रखा था, नाम रखा था एक बोरोन, एक एल्युमिनियम और एक सिलिकॉन। आइए हमेशा ध्यान रखना सिलिकॉन बोले तो जर्कोनियम हो गया, जर्मेनियम, इका सिलिकॉन बोलते हैं किसको, जर्मेनियम को, इका एल्युमिनियम किसको बोलते हैं, गैलियम को, इका बोरोन किसको बोलते हैं, स्कैंडियम को। अच्छा चलिए तो याद रखना सिलिकॉन के जस्ट बगल में कौन है, जर्मेनियम ना, तो इका सिलिकॉन कौन हो जाएगा, जर्मेनियम, इका सिलिकॉन कौन हो जाएगा, जर्मेनियम, इका बोरोन कौन हो जाएगा, स्कैंडियम, इका एल्युमिनियम, गैलियम। अच्छा एल्युमिनियम गैलियम सेम जैसा नहीं लग रहा है, और सिलिकॉन जर्मेनियम सेम जैसा नहीं लग रहा है, बोलो ना रे। उसके बाद बच गया इका बोरोन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैंडियम। और क्रिया क्या देखो, मेंडलीफ ने किसने चला, अरे किसने, किसने मेंडलीफ का वर्षा नहीं देखो, लास्ट में बाई और जो है उन्होंने क्रिया गैस को रख दिया, कहां रख दिया, इधर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन को सबसे बाईं ओर शून्य वर्ग, इसलिए उसका नाम पड़ा। काय जानते हो मेंडलीफ क्या किया, एक दो तीन चार पांच नौ तक सजा दिया, इसमें सात आवर थे और नौ वर्ग थे, किसमें, मेंडलीफ ने नौ वर्ग तक सजा दिया। बाद में अगर मिला क्रिया गैस कौन मिला, तो इसको बाईं ओर ले जाकर रख दिया, बाईं ओर क्या करता है, एक तो यहां ऑलरेडी था, एक तो यहां ऑलरेडी था, इसको बाद में इसको क्या रख दिया, जीरो। इसलिए क्रिया गैस को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, बोले मैं नहीं करेगा, और क्रिया गैस को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया, चला एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ, ये हो गया तुम्हारा आवर्त था उसका, मेंडलीफ का, किसका, आप देखो नहीं क्या क्रिया गैस को बाद में अगर मिले किया, स्कैंडियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम भी बाद में मिला, और क्रिया गैस भी बाद में मिला था, बाद में मिला था, कहां रखा, एक से नौ तक यहां फुल था, इसको तुम बोलते इधर रख देता, इधर नहीं रखा, इधर रखा, इसलिए इधर रखा, इसका बिहेवियर जीरो था, किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता था, जीरो बिहेवियर था इसका, इसलिए इसका नाम रखा जीरो वर्ग। इसलिए क्रिया गैस वर्ग का दूसरा नाम क्या है, जीरो वर्ग, जीरो वर्ग या शून्य वर्ग, जिसको किधर रखा, बाईं ओर की दाईं ओर, किधर रखा, कौन रखा, कौन रखा, मेंडलीफ ने रखा था, किसने रखा था, चला मेंडलीफ ने रखा था। आदमी का वर्षा मौसले कितना में 1913 या परमाणु संख्या का वर्त फलन है, सही गलत, अरे भैया परमाणु संख्या के आधार पर ही ना मसले सजाया था। ये क्वेश्चन चला इस बार रेलवे में 50 बार पूछा होगा, सब सेट मिला के कम से कम कितना बार, 50 बार। या परमाणु संख्या का वर्त फलन, कौन परमाणु संख्या का वर्त फलन है, किसका पीरियोडिक टेबल, किसका रे, मसले का पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या का वर्त फलन है। आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, देख लो इधर से इधर जाओगे, आवर्त में इधर से इधर जाओगे तो त्रिज्या क्या होगा, अरे आवर्त में जाओगे तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या घटेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बोलो हाँ। अब बाद में जो है विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव वगैरह वगैरह क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो कौन कौन, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस सब आवर्त में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्या हो जाएगा रे, आवर्त में सब जो है चला बढ़ेगा, इस सब आवर्त में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इधर वर्ग में फिर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। हो गया, अरे हुआ, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, सब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, पढ़े कतावर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है, चला क्या होता है, घटता। अब देखो नाभिक में यही क्वेश्चन था, नाभिकीय आवेश, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे साइज क्या हो जाता है, घटता। अभी जो धीरे धीरे जब आप इधर की ओर जाइएगा तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, मान लो तीन चार पांच छह सात आठ होगा, तब जब परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन के बराबर, इसके बराबर, तो बताओ इसमें प्रोटॉन की संख्या नाभिक में क्या होगा, आठ को, इसमें प्रोटॉन की संख्या नाभिक में क्या होगा, तीन को, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में आकर्षण की विकर्षण, तो बोले नहीं करेगा, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में आकर्षण होगा तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से खींचेगा, इसमें आठ को इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा खींचेगा कि कम खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा संकुचित होगा कि बढ़ेगा, तब हम ये कह सकते हैं कि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण संकुचन बल ज्यादा होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, संकुचित, बुझा रहा है, बोलो ना रे। अभी चला हमें वो प्रोजेक्ट दिए हैं बिग बूस्टर टीम को, क्या प्रोजेक्ट दिए हैं कि सारा जितना एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर है ही, उसके अलावे पूरा का पूरा एनसीईआरटी लगभग 5 लाख का मेरा ये प्रोजेक्ट है। हमको ऐसा लग रहा है कि अब सारे एग्जाम्स एनसीईआरटी के होने लगे हैं, चाहे वो बिहार के एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, तो हमने क्या किया है, इसका एक 5 लाख का बजट बनाया है, जिसमें हम इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी में 10 लोगों को लगाकर सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव निकलवा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बच्चा से बनता नहीं, इसका चैप्टर वाइज नहीं पेज वाइज ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पेज वाइज जब ऑब्जेक्टिव अवेलेबल होगा, तो अगर मान लो किसी को क्लास 10th का पेज नंबर 52 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बनाना है, मान लो पढ़ लिया है उसको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो कंप्लीट उतने नंबर पेज वही किताब उतना ही क्लास क्लिक करेगा और उस सब्जेक्ट उस पेज को का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको सॉल्व कर पाएगा, उसमें फीचर होगा वो भी सिंगल क्लिक में, जैसे ये क्लिक करेगा उससे क्लास मांग लेगा, नेक्स्ट क्लिक करेगा तो उसे सब्जेक्ट मांग लेगा, अगला क्लिक करेगा तो उसे पेज नंबर मांग लेगा, और पेज पढ़ेगा, पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएगा अलग अलग एग्जाम का। उससे चला अभी क्या हो रहा है ना, 90% एग्जाम्स जो अगर हम मेरिट बनाने की बात करें, जैसे आप उसे रख लीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा 170 बनेगा, लेकिन जो 71, 72, 74 जगह से लोगों को नौकरी होगा वो एनसीईआरटी चला होकर, हम भी मानते हैं मेरा भी किताब एनसीईआरटी बेस्ड है तो उतना नौकरी नहीं दिला सकता है, एकदम दिमाग में एडजस्ट करो, जो बच्चा भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा, हाँ एग्जाम देगा वो, रिजल्ट में दिक्कत होगी, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस मान लो पढ़ा दिया, इसी तरह से आपको आर्ट्स का भी क्वेश्चन देख लेना पड़ेगा, बहुत जल्द उसका भी आपको तो दिक्कत नहीं होगा, जो बीएससी देंगे
बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जब आएगा तो उसमें मेरा आर्ट का भी पूरा एक शेड्यूल आएगा, एससीईआरटी और एनसीईआरटी का मिक्स, जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा। ये नहीं कि पता चला मार्केट में अभी तुम खोजोगे, हम अपने जो हमारे लोग हैं टीम के उनको हम भेजे कि तुम जाओ मार्केट और जितनी भी किताबें एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन से रिलेटेड है वो लेके आओ मार्केट से। बिलीव करो, चला हम तो साइंस देखे, हमारा साइंस से समझ में आता है। जितना प्रीवियस ईयर है एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक के नाम पे छाप दिया है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक नहीं है, ना ही उसमें एनसीईआरटी के सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल है ही नहीं है। एनसीईआरटी में साइंस में जाओगे एक चैप्टर में चार को पांच को सवाल है, और दे दिया 1500 सवाल, सब फेक है, खाली ऊपर में लिख दिया एनसीईआरटी बी करा लोगों ना धुन ले रहा, बच्चा तो देख रहा है एनसीईआरटी से पूछा, चलो ले लेते हैं, पता चला एनसीईआरटी नहीं, जो पुराना कंटेंट वही देखे छाप दिया, छाप के बेच रहा है, बच्चा ना धुन खरीद रहा है। कहते हैं चला आवर्त को लेफ्ट से राइट जाने पर, ई एनसीईआरटी का लेवल है जो आपके सामने है, एनसीईआरटी का लेवल ये नहीं है कि कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n² का सिद्धांत किसने दिया बोर्ड ब्यूरी ने, एनसीईआरटी कहता है कि अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, घटेगी, इसलिए घटेगी कि भैया इधर सीधा जाओगे 2, 3, 4, 5, 6 यहां आओगे तो प्रोटॉन की संख्या इसमें हो जाएगा 6, इलेक्ट्रॉन यहां है इसमें आओगे इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इसमें आओगे तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी चला 2, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, तो 2 हो जाएगी, कम आकर्षण बल लगाएगा भैया फुला हुआ रहेगा, इसमें 8 में 6 हो जाएगा ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा सिकुड़ा हुआ होगा, इसलिए इधर सीधर जाने पर आकृति क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। अब कहता है चला समूह में, कहां समूह में ऊपर से नीचे आएंगे यानी वर्ग में, समूह में यानी किसमें, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ता कि घटता, बढ़ता, त्रिज्या कहता त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, घट जाता है, तथा आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। मेंडलीफ ने नया तत्व खोजे जाने की भविष्यवाणी की नहीं की, मेंडलीफ ने भी किया और मॉसले ने भी जगह छोड़ा, लेकिन पहली बार अगर कहेगा किसने जगह छोड़ा, मेंडलीफ ने, किसने जगह छोड़ा पहली बार, किसने जगह छोड़ा, मेंडलीफ ने, किसने जगह छोड़ा, लेकिन मॉसले ने भी आने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ा, मॉसले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी और अभी 100 कितना है 18 है, तो चार तो बढ़ा ना, खाली जगह छोटा होता, लेकिन नहीं पूछा कि मसले छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये पूछा कि बताओ पहली बार किसने आने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा, किसने छोड़ा पहली बार, किसने आने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा, मेंडलीफ ने, किसने छोड़ा, और मसले तो ढेरी स्थान छोड़ दिया और बाद में अभी 114 आने वाले समय में 140 तक जा सकता है, उतना स्थान उन्होंने छोड़ दिया। कहते मेंडलीफ ने किसने नए तत्वों के खोजे जाने की भविष्यवाणी की, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से किसका काम करते हैं, अनुरक्षण, अनुरक्षण करना मतलब रक्षा करना, अनुरक्षण करना मतलब रक्षा करना, उसको हम लोग कौन प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम कहते हैं। स्वपोषी का नाम सुने हो, स्वपोषी अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण से, किसे बनाता है, रातों में ही क्वेश्चन था, स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, किसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ये बना देता है C6H12O6+O2, तो ये क्या है, और कार्बनिक है, रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है क्या है, क्या रे, कार्बनिक है, बोलो हाँ, लंबा लंबा छोड़ने का जल्दी लिखें, हो गया, अरे हुआ, बताओ स्वपोषी जब ये कर दिया मतलब क्या चला, पादप, स्वपोषी जब ये कर दिया मतलब क्या, कहता है स्वपोषी और कार्बनिक स्रोत, एक स्रोत क्या है, क्या है, और कार्बनिक स्रोत से CO2 तथा जल के रूप में, CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से, इस सरल पदार्थ और क्या है, जटिल पदार्थ, हम लोग क्या करते हैं, जटिल से सरल बना, जो पादप है उस सरल से, इसको आप कह सकते हैं ये कौन पदार्थ है, सरल, ये कौन पदार्थ है, जटिल, पादप जो है वो सरल से क्या बनाता है, जटिल। अच्छा टेलीग्राम पे नहीं मिला पीडीएफ, फिर से हम डाल देंगे, देखा एक लड़का कमेंट किया कृष्णा कुमार कि सर जो पढ़ा रहे हैं ये सब पूछता है ना, मुंह से निकल जाएगा खराब बात, चला बताओ ये कितना फालतू वाला बात बोल दिया, ये हम बोले ना तुमको, हमको पता था ये कोई ना कोई बात बोलवे करेगा, ये चला तुम समझ लो कि जब टीचर आपको एक लेवल में जाके पढ़ाएंगे तो आप कहिएगा ये पूछता नहीं, नहीं तुम्हारा पागल ना कर देगा रे, पिछले बार हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे थे क्योंकि नहीं पूछ रहा था, पढ़ाते तो लड़का सीधे कहता है मास्टर पागल हो गया क्या पढ़ा रहा है, आज जब दो सीटिंग में पूछा तो तीसरा सीटिंग से जब लाइव आया 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 बच्चा लाइव रहने लगा, 8,00,000 व्यूज रहने लगा, अरे बाप रे बाप एनसीईआरटी पूछ लो रे, अभी जब तक अच्छा चला बताओ कि क्वेश्चन नहीं पूछता है, हम पागल हो गए हैं, चला देखो ये बोलता कौन है, जैसे सबके साथ होता है, रीजनिंग वाले सर के साथ भी होता है, मैथ वाले सर के साथ भी, हमारे साथ भी, जैसे ही आप लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो जितना भूतकुलवा होगा, क्योंकि भूतकुलवा को ऐसा लगता है कि रट के रिजल्ट लिया जा सकता है, अगर दिमाग में पहले से सेट है, क्योंकि उस चोटा मुंह से खाली खराब निकला, बस कमांड किए हुए हैं, वो चोटा पढ़ा है नहीं कभी, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको लगता है जो पढ़ा रहा है फालतू है, क्योंकि खुद को समझा रहा है कि कुछ भी नहीं करता है, उसको समझ में भी आता नहीं है, पहले तो यहीं तक खुश है कि भैया पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यहीं तक खुश है, तो इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन निकाल के देखना, कुछ नहीं किया है, यहां पर सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की जगह पर वाट कर दिया है, देखा होगा प्रीवियस ईयर मिल गया होगा, नहीं किया है, आई चला वाट की जगह पर लिखा सूर्य का प्रकाश, दूसरा में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इस बार का प्रीवियस ईयर भी है, इस बात बोलता है चलो मन नहीं करता, अभी हम सोच रहे थे कि बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऑफ लेवल का पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, पढ़ा तो चटक होगा, चोट 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 चिल, अच्छा तुम पढ़ना क्या चाहता है, विद्युत धारा का एम्पीयर पढ़ा, बोलो पढ़ा देते हैं, हां क्या पढ़ें बताओ, निकट दृष्टि तो मैं बता कि उत्तल, वो अगर तेरा नहीं आ रहा है तो रिजल्ट ऐसे भी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास नहीं पढ़ो, हमारे पास तुम गलत चैनल चूज कर लिया, जल्दी भाग यहां से, मेरा तो चला एलपीओ का अगर टेस्ट मारेंगे तो नंबर लाते लाते धंसन उठ जाएगा, मारता होगा हवा टाइट हो जाता होगा,
चला मेरे कहने का मतलब है अभी हम थोड़ा सिखाने के लिए हैं, हम थोड़ा वही बात करवा करवा के बार बार टाइम नहीं बात करेंगे कि बताओ पौधे स्वपोषी परपोषी परजीवी कार्बनिक स्रोत। ये चला क्वेश्चन मिलता है प्रकाश संश्लेषण में जो स्रोत है वो कार्बनिक है कि अकार्बनिक, हम बताए भी थे कि लड़का CO2 देख के हम क्या मार देता है कार्बनिक, लेकिन CO2 कार्बनिक नहीं है वो क्या है अकार्बनिक, क्योंकि कार्बनिक होने के लिए कार्बन का डेरिवेटिव होना जरूरी है। बोले मैं नहीं करेगा, कहते हैं स्वपोषी अकार्बनिक स्रोत CO2 से जल के रूप में तरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में बदलते हैं। स्वपोषी के अलावे जितना भी अन्य जीव जैसे हम लोग वो क्या करता है जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में उपयोग करता है। स्वपोषी बोले तो पादप, स्वपोषी बोले तो बताओ सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है स्वपोषी की, किसकी होती है। जैसे जैसे नीचे ऊपर जाएंगे ऊर्जा का मान घटेगा, ये बात कहा था लिंडमान ने, किसने कहा था नीचे ऊपर जाने पर कितना परसेंट ऊर्जा यूज करते हैं 10%, ये बात किसने कहा था लिंडमान ने, किसने कहा था लिंडमान ने कहा था, यानी स्वपोषी सरल से जटिल में बदलते हैं, हम लोग जटिल से सरल में बदलते हैं, सही है। अरे बाबा जटिल से सरल पदार्थ में चेंज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को चला अन्य चीजों में बदलते हैं, तो बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं एंजाइम का, किसका उपयोग करते हैं किसका, हम लोग जो खाते हैं वो ग्लूकोज होता है फ्रुक्टोज होता है माल्टोज होता है गैलेक्टोज होता है जो जटिल पदार्थ है कौन पदार्थ है, और उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के लिए तोड़कर सरल पदार्थ में विभाजित करते हैं, तब ना उसको करिएगा। और सरल पदार्थ में विभाजित करने के लिए हम लोग एंजाइम का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं एंजाइम का काम क्या है जटिल पदार्थ को तोड़ देना आगे जोड़ देना, और तोड़ देगा तो पच जाएगा। एंजाइम एक प्रकार का क्या है उत्प्रेरक है, एंजाइम एक प्रकार का क्या है उत्प्रेरक, तो बताओ हम लोग क्या करते हैं जटिल पदार्थ खाते हैं सरल, जटिल को किस में बदलते हैं सरल बदलते हैं, आप पौधे जो हम लोग खाते हैं तो उसके पास देखो सरल को जटिल में बदलता है, जैसे पौधा का जो उत्पाद है वो क्या है जटिल है, और जटिल हम लोग खाते हैं आप फिर उसको किसमें बदलते हैं सरल में, किसमें बदलते हैं सरल में बदलते हैं। ये वो लड़का कहता है आपका बात सुनकर मुर्दा भी पढ़ने लगेगा, नहीं पढ़ोगे तोरा कुत्ता में बहुत फर्क रह भी नहीं जाएगा, तुम नहीं पढ़ो चला अपने आप को मान लो कि मैं कुत्ता हूं, कोई बैठने के लिए नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा चला, इसलिए तुम अपने आप को मान लो कि नहीं पढ़ा मतलब तुम क्या है, वाह वेरी गुड, नया शब्द का निर्माण हुआ है। पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा की प्राप्ति के लिए किसका उपयोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, हम लोग जब भूखे रहते हैं क्या खाते हैं ग्लाइकोजन, क्या खाते हैं हम लोग जब भूखे रहते हैं क्या खाते हैं ग्लाइकोजन, अब पादप और जंतु बताओ ऊर्जा के लिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना, अरे ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है कार्बोहाइड्रेट है। अब बताओ कहता पौधों में भोजन मंड स्टार्च के रूप में तथा जंतु में, अभी तुरंत बताए थे पौधों में जो भोजन संचित होता है किस रूप में मंड या स्टार्च और जंतु में ग्लाइकोजन, इसलिए तो भूख लगता है हम लोग ग्लाइकोजन खाने लगते हैं क्योंकि ग्लाइकोजन से हम लोगों को क्या मिलता है ऊर्जा मिलता है, और कहते हैं क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का, क्लोरोफिल भी एक प्रकार का चला उत्प्रेरक ही है, अगर कह देगा तुमको कि प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है, कौन करता है क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है क्लोरोफिल, पाचन में उत्प्रेरक का काम कौन करता है एंजाइम, कौन करता है CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, CO2 का किसमें अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट अपचयन होता है, मतलब चला एक बात बताओ CO2 जो है ये किससे अभिक्रिया करता है जल से, किससे अभिक्रिया करता है तभी बना देता है कार्बोहाइड्रेट C12H12O6, तो CO2 का किसमें अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट में, किसमें चला ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज सब क्या है कार्बोहाइड्रेट। अब कहता है मरुद भी, मरुद भी समझता है रे कहां का पौधा, मरुस्थल का पौधा, मरुस्थल के बाहर पौधे के बाहर पर क्यूटीन होता है, क्यूटीन जल का क्षय को क्या करता है रोकता है, जल के क्षय को रोकता है, कहता है मरुद भी पौधा रात में भी CO2 ग्रहण बाद में, मतलब समझ रहा अगर मरुद्भेद की बात करोगे रात में वो थोड़ा बहुत कचरा उत्पाद बना लेता है और फिर सुबह होते हैं जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वो उसको पूर्ण उत्पाद में बदल लेता है, मतलब अगर हमको कह दे मरुस्थलीय पौधों में क्या रात में भोजन निर्माण होता है कि नहीं होता, कहेंगे होता है लेकिन पूरा नहीं मध्य उत्पाद बीच वाला उत्पाद कचरा उत्पाद बनाता है, फिर जब सुबह होता है तो उसको किसमें बदल लेता है पूर्ण उत्पाद में बदलता है, हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण, श्वसन की क्रिया रात में भी होती है दिन में, यह हमेशा ध्यान रखना दोनों पूछेगा दोनों में क्या आंसर मार के चलाता है बच्चा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रकाश संश्लेषण दिन रात, दिन में होगा रात में नहीं, लेकिन वही अगर श्वसन की बात करोगे तो दिन में भी होता है रात में भी होता है, सब वृक्ष का बात नहीं होता चला। वो पूछ रहा है कौन कौन दिन आप मुर्गा खाते हैं, सब दिन खाते हैं खाली गुरुवार छोड़ के, हो गया गुरुवार एक्चुअली मेरे घर में बनता नहीं है, मम्मी बोलती है गुरुवार को नहीं खाना चाहिए, हो गया पहले खिलाएगा तब ना खाली पूछने से होगा, इधर 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 मरुद्भिद पौधा रात में क्या ग्रहण करके कोई भी चला CO2 में ग्रहण करके उत्पाद बनाएगा मध्य उत्पाद बनाता है, जिसे वो पूरा दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज कर, पौधों के एक में गैसों का विनिमय कहाँ होता है रंध्र में, पौधों में सबको पता है पौधों में वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन ना पक्का ना, KOH का उपयोग CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग CO2 अवशोषित करने के लिए करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जल अवशोषण के लिए, एक बार यहां लिख लो पूछता चला कैल्शियम क्लोराइड और H2SO4 का उपयोग क्या अवशोषित करने के लिए जल अवशोषण के लिए किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड और H2SO4 का उपयोग क्या चीज के लिए जल अवशोषण, यानी निर्जलीकरण आप कर सकते हैं क्या, डिहाइड्रेशन समझता है हम लोग, पेटझड़ी हो जाता है डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया मतलब सारा जल क्या हो गया निकल गया, कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या के लिए जल अवशोषण, कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड जल अवशोषण, KOH और CO2, KOH किसका अवशोषण CO2 का, कहते हैं एक कोशिकीय जीवन जीव भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है, एक कोशिकीय जीव कौन कौन अमीबा नाम सुना है ना, उसका भोजन संपूर्ण शरीर में होता है, और कहते हैं एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावय गति द्वारा जाता है,
कभी कभी पूछ देता है, इसको ध्यान में रखिए। आहार नाल में भोजन, इचला महा भी है। हम बोलते हैं आहार नाल में जो हम लोग भोजन भेजते हैं किसके द्वारा? क्रमाकुंचन के द्वारा, मतलब मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव के, इसी को कहते हैं क्रमाकुंचन। ये एनसीईआरटी का सवाल भी है और एनसीईआरटी का ऑनलाइन भी। आहार नाल में भोजन किसके गति द्वारा जाता है? क्रमाकुंचन में लिख लो मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? मांसपेशी के द्वारा। किसके द्वारा चला? आहार नाल में भोजन क्रमाकुंचन द्वारा मांसपेशियों के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? मांसपेशियों के द्वारा जाता है। ये तो सबको पता होगा क्षुद्रांत या छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? संपूर्ण पाचन। कभी कभी क्रमाकुंचन नहीं होगा तो क्रम से संकुचन और विलयन होगा। क्रमाकुंचन को ही कहते हैं क्रम से संकुचन और विलयन, करते हैं ना। आपको देखा आहार नाल में भोजन जाता है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन जाता है, पानी के द्वारा जाता है, निर्वात के कारण जाता है, क्रमाकुंचन के द्वारा जाता है, मांसपेशियों में क्रमाकुंचन के द्वारा जाता है। क्लियर है? बोलें दे आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।